अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में एंड पर आके कुछ वॉइस का इशू हो गया था, तो इसलिए मैं ये टॉपिक दोबारा से जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फिक्स टाइप एरेज इन पाइथन, फिक्स टाइप जो है वो हमारे पास एरेज पाइथन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए आप एरे का मॉड्यूल है, एरे के मॉड्यूल को यूज़ करते हुए काम किया जा सकता है। और फिक्स टाइप होंगे तो उनके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो सब के सब एक ही सिमिलर टाइप की आएंगी, होमोजेनियस आएंगी, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे। तो आप इंपोर्ट कर लेंगे अपने एरे के पैकेज को, मॉड्यूल को, और उसके बाद आपने एक लिस्ट बना ली, एल इक्वल्स टू लिस्ट रेंज 10। तो अब ये 0 से लेकर 9 तक की एक लिस्ट बना देगा, और उसके बाद आप उस लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे एरे के अंदर। तो आपने लिखा एरे डॉट एरे, और आई आई मतलब आप उसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और उन तमाम वैल्यूज़ को जो एल लिस्ट के अंदर है, एल लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर 9 तक। लेकिन जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं उसके ऊपर ओवरहेड होता है, जबकि जब आप उसको फिक्स टाइप एरेज़ के अंदर जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो ओवरहेड रिमूव हो जाता है। तो अब जब आप इसको प्रिंट करके देखेंगे, ए को जब आपने प्रिंट किया तो वो आपको एरे दे रहा है, और ये एरे है और इंटीजर टाइप का है, और ये उसके कंटेंट्स हैं, ये उसकी वैल्यूज़ हैं। तो ये बेसिकली उस आई उसके साइज़ को, उसके टाइप को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मच मोर यूज़फुल हावर इज़ द एन डी ऑब्जेक्ट ऑफ द नम पाई पैकेज, के ज़्यादा जो यूज़फुल है वो एन डी एरे है, एन डी एरे सिंपल एरे की नस्बत एन डी एरे। वाइल पाइथन्स एरे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स द एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ एरे बेस्ड डाटा, द नंपाई एड्स एफिशिएंट ऑपरेशन ऑन द डाटा, कि जो आपका पाइथन का एरे है वो आपके स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंट है, लेकिन नंपाई एरे जो है वो आपके ऑपरेशंस जो आपने उसके ऊपर परफॉर्म करने, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा ज़्यादा एफिशिएंट है। तो आप नंपाई को इम्पोर्ट करें सबसे पहले, जैसे मैंने भी किया था नंपाई को इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट करने के बाद आप फिक्स टाइप के एरेज़ आप कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे एन पी डॉट एरे, और अब आपने उसको वैल्यूज़ दे दी तो वो आपको इन वैल्यूज़ का एक एरे बना देगा। नंपाई के अंदर जो हमारी जो पाइथन की जो लिस्ट होती हैं उसके अंदर आप डिससिमिलर या हेट्रोजीनियस डाटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि नंपाई के अंदर जो है वो हमारा एक ही जैसा, एक ही तरह का वैल्यू का डाटा आएगा, सारी इंटीजर वैल्यूज़ होंगी या सारी फ्लोट वैल्यूज़ होंगी, और अगर पॉसिबल होगा तो वो उसको अपकास्ट कर देगा। ठीक है, अपकास्टिंग मतलब कि उसकी टाइप प्रमोशन हो जाएगी, डाटा टाइप ऑटोमेटिकली जो है वो एनहेंस हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे एक लिया एन पी डॉट एरे 3.14, 4, 2 एंड 3, ये तीन वैल्यूज इंटीजर हैं, तो वो इनको ऑटोमेटिकली जो है वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि पहली वैल्यू फ्लोट है तो बाकी वैल्यू भी जो है फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगी, और 4 डॉट 2 डॉट और 3 डॉट जो है वो उसने यहाँ पर लगा दिया, तो वो उनको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, 4 एंड 4 डॉट सेम है, 2 एंड 2 डॉट सेम है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। तो इसको हम कहते हैं टाइप प्रमोशन या अपकास्टिंग, तो वो उसको अपकास्ट कर देगा। इफ वी वांट टू एक्सप्लिसिटली सेट द डाटा टाइप ऑफ द रिजल्टिंग एरे, वी कैन यूज द डी टाइप। अगर आप खुद से कोई उसके डाटा टाइप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो फिर इसके लिए आप डी टाइप आर्ग्यूमेंट जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है एन पी डॉट एरे 1, 2, 3, 4 डी टाइप फ्लोट 32। अब आप उसको बता रहे हैं कि भी इसकी टाइप फ्लोट रखनी है, अगर आप ये ना लिखते तो उसकी टाइप जो है वो इंटीजर होनी थी, लेकिन अब आपने लिख दिया कि भी इसकी टाइप जो है फ्लोट 32 रखनी है, तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट और 4 डॉट जो है वो उसकी टाइप हो जाएगी। फाइनली अनलाइक द पाइथन लिस्ट, द नंपाई एरेज आर एक्सप्लिसिटली भी मल्टी डायमेंशनल, के मल्टी डायमेंशनल भी हो सकते हैं, और मल्टी डायमेंशनल आपको बनाना पड़ेगा इसको एक्सप्लिसिटली, आप इसको मल्टी डायमेंशनल बनाएंगे तो वो मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए वो यहाँ पर एक लूप बना रहा है। तो इसको जो है वो आप देख लें कि एन पी एरे रेंज उसने रखी है 1, i, i+3, यानी कि जो भी आई की वैल्यू होगी उसके अंदर 3 और ऐड कर दो। अब यहाँ पे आई की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, आई की वैल्यू सबसे पहले शुरू में 2 आ रही होगी, ये एक लूप है, और ये लूप चलेगी 2, 4 और 6 के लिए। आई की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू 4 होगी, आई की वैल्यू 6 होगी। तो सबसे पहले जब ये लूप 2 के लिए चलेगी तो 2+3 यानी 5, तो 2 से लेकर < 5 तक लूप चलेगी, और पहली वैल्यू जो हमारी प्रोड्यूस होंगी वो होंगी 2, 3, 4। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगी तो आई की वैल्यू 4 होगी, और 4 और 4+3 मतलब < 7 तक ये हमारी लूप चलेगी। फिर इसी तरह से नेक्स्ट टाइम जो है ये हमारी लूप 6 से लेकर < 9 तक चलेगी। तो ये इस तरह से हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो इधर बन रहा है।
क्रिएटिंग एरे फ्रॉम स्क्रैच, अगर आप स्क्रैच से एरेज बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे जी? उसके लिए आप जैसे अगर आप एक 10 साइज़ का एरे बनाना चाह रहे हैं, उसकी की वैल्यूज जो है वो आप जीरो के साथ फिल करना चाह रहे हैं, तो आपने लिखा एन पी डॉट जीरोज 10 और डी टाइप इंटीजर। तो आपने एन पी नंपाई को यूज़ किया, जीरोज़ उसका फंक्शन है कि उसके सारे कंटेंट्स जो है वो जीरो होंगे, साइज़ उसका 10 होगा और डी टाइप उसका जो है वो इंटीजर होगा। तो वो आपको एक एरे रिटर्न कर रहा है 10 वैल्यूज सब की सब जो है वो जीरो। 3x5 फ्लोटिंग पॉइंट एरे ले रहा है जिसको 1 से फिल करा रहा है, तो उसने लिखा एन पी डॉट वंस 3,5, तो 3 रोज़ एंड 5 कॉलम्स, और उन सब के अंदर जो है वो वंस के साथ उसको फिल कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसने टाइप उसकी फ्लोट रखी है इसलिए 1 डॉट आ रहा है हर जगह पर। फिर आगे वो एक और एरे जो है वो डिक्लेयर कर रहा है 3x5 एरे, और उसको फिल कर रहा है 3.14 के साथ, तो उसने लिखा एन पी डॉट फिल एन पी डॉट फुल और 3,5 ये उसका साइज़ आ गया और 3.14 ये उसकी वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पे एक वो आपको उसने एक एरे बना के दे दिया 3x5 का, और उन सब के अंदर वैल्यूज़ जो है उसके अंदर डिफरेंट लोकेशन पर जो वैल्यूज़ हैं वो 3.14 आ रही हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास 15 में, क्रिएट एन एरे फिल्ड विद अ लीनियर सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग एट 20 स्टेपिंग बाय 2। तो ये रेंज का एक फंक्शन जो है उसकी तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ पे वो यूज़ कर रहा है एन पी डॉट अरेंज, एन पी डॉट अरेंज स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू और स्टेप उसने रख दिया जी 2 का, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा इससे। फिर एक और वो आपको एरे बना के दे रहा है क्रिएट एन एरे ऑफ 5 वैल्यूज इवनली स्पेस बिटवीन 0 टू 1, के 0 से लेकर 1 तक की वैल्यूज़ को रखते हुए उसने इवनली स्पेस रखनी है, मतलब उनके गैप बीच के दरमियान का सेम हो, और 5 जो है वो एलिमेंट्स होने चाहिए, 5 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो 0 से स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट वैल्यू 0.25 आ गई, फिर नेक्स्ट वैल्यू 0.5 आ गई, 0.751 पॉइंट। अब इन सब के दरमियान अगर आप गैप देखें, इन दो के दरमियान गैप बराबर है, इन दो के दरमियान गैप बराबर है, इन दो के दरमियान भी, तो सब के दरमियान जो है वो इवनली गैप्ड है। नेक्स्ट एक और तरीका वो आपको बता रहा है रैंडम वैल्यूज़ को लेकर एक 3x3 का एरे बना रहा है, तो उसने लिखा एन पी डॉट रैंडम 3,3, तो उसने यहाँ पर 3x3 यानी कि 9 वैल्यूज़ जो हैं वो रैंडम जनरेट कर दी हैं। फिर एक और तरीका बता रहा है कि क्रिएट अ 3x3 एरे ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वैल्यूज़ विद द मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। तो उसका एक और तरीका है, आप इस तरह से भी अपना एरे जो है वो ले सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, एन पी डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल 0 1, ये उसकी रेंज आ गई, 3x3 जो है वो उसका साइज आ गया। एक और तरीका देख लें, इन सब को आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपको रिजल्ट्स वगैरह भी साथ के साथ मिलते जाएंगे, आपको थोड़ा कोड के साथ भी आप यूज्ड टू हो जाएंगे। क्रिएट अ 3x3 एरे ऑफ द रैंडम इंटीजर्स इन द इंटरवल 0,10। तो वो आपको 3x3 का एक रैंडम इंटीजर्स जो है वो जनरेट करके दे रहा है, और रेंज उसने उसकी रख दी है 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक जो है कोई भी रैंडम नंबर हमारा जनरेट हो सकता है। तो वो नीचे आपको रिजल्ट दे रहा है 2, 3, 4 रैंडम नंबर जनरेट हुए हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बनानी है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए वो ले रहा है नमपाई डॉट आई, और उसके बाद 3 उसने उसका साइज दे दिया, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद एक कि अगर आपने एक अनइनिशियलाइज्ड एरे लेना है 3 इंटीजर्स का, तो उसने ले लिया एन पी डॉट एम्प्टी 3। अच्छा ये एम्प्टी है मतलब इसको आपको वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन ये जहाँ पर एरे क्रिएट होगा अगर उस जगह पर ऑलरेडी जो भी वैल्यू मौजूद होगी वो उसके कंटेंट्स बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे वो आपको बता रहा है 1.2, फिर 1 डॉट है, फिर 1 डॉट है, 1 डॉट है, यानी हमने तो उसे कहा था कि एम्प्टी एरे बना के दो, लेकिन ये एरे मेमोरी में जहाँ पे भी बना वहाँ पे पहले से कोई ना कोई वैल्यू मौजूद थी, जो वैल्यूज़ मौजूद थी बेसिकली उनके ऊपर ये हमारा एरे बन गया, और वहाँ पे जो कंटेंट्स पड़े थे बाय चांस तीनों जगह पे सेम ही वैल्यू पड़ी थी 1 डॉट 1 डॉट और 1 डॉट। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स आ रही हैं नम पाई की। इस स्टैंडर्ड डाटा टाइप के अंदर हमारे पास बुलियन है जिसके अंदर वैल्यू ट्रू फॉल्स होती है, इंटीजर है इंट सी इंट पी, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंटीजर्स हैं। ये सी का इंटीजर है इंट सी, जैसे सी के अंदर यूज़ होता है, और ये हमारे पास जो इंटीजर जो है ये सी का लॉन्ग इंटीजर है, और लॉन्ग इंटीजर जो है वो नॉर्मली 64 बिट्स जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है। इंट पी आप ले लेंगे इंडेक्सिंग के लिए,
इंट एट का मतलब यह है कि वो 8 बिट्स का इंटीजर होगा जिसकी वैल्यू -128 से लेकर +127 तक होगी। फिर इंट 16 है जिसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी। फिर इंट 32 है, इंट 64 है, इनकी रेंज बढ़ती जाएगी। अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू चाहिए तो आप इंटीजर जो है वो 8 का 16 का ना लें, आप 32 या 64 का ले लें। फिर है यू इंट। यू मतलब अनसाइंड, अनसाइंड इंट होगा जिसके अंदर जीरो से वैल्यूज स्टार्ट होंगी, 0 से 255 तक जाएगी। फिर अनसाइंड इंट है 16 बिट का, अनसाइंड इंट है 32 बिट का, अनसाइंड इंट है 64 बिट का। फिर हमारे पास फ्लोट, फ्लोट अंडरस्कोर, जो फ्लोट 64 की शॉर्ट हैंड फॉर्म है। फ्लोट 64 हमारे पास यहाँ पर है, इसके शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर है फ्लोट 16, इसके अंदर हाफ प्रसीजन होगी, 15 बिट्स एक्सपोनेंट की होंगी और 10 बिट्स जो है वो मेंटीसा की होंगी। और फिर फ्लोट 32 है, इसके अंदर सिंगल प्रसीजन होगी और साइन बिट होगी, 8 बिट्स जो है वो एक्सपोनेंट की और 23 बिट्स जो है वो मेंटीसा की होंगी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लिटिल एंडियन और बिग एंडियन का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये थोड़ा सा टॉपिक आप लोगों के लिए शायद थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाए। किसी किसी दिन टाइम मिला तो उसको भी मैं आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। बिग एंडियन और लिटिल एंडियन बेसिकली ये टेक्निक्स होती हैं कि आप के जो वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, वो मेमोरी में किस तरह से जाके स्टोर होते हैं। नॉर्मली जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू जो हमारी होती है वो मेमोरी के अंदर राइट साइड के ऊपर स्टोर होती है, और जो राइट वाली होती है वो लेफ़्ट के ऊपर स्टोर होती है, या सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है, लेफ़्ट वाली लेफ़्ट साइड पर, राइट वाली राइट साइड के ऊपर। तो ये बेसिकली बिग एंडियन और लिटिल एंडियन टेक्निक्स होती हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर, बाकी आगे जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।